जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे हो हरी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे सरस्वती गरुआ गड़े आया मैं बारी जाऊं रे सरस्वती गरुआ गड़े आया सतगुरु नावल साहिब की आज आप देख रहे हैं कि ये हम तबेले में मौजूद हैं। तबेले में आज जो है इस पवन मंच के ऊपर आपको दिखाएंगे कि बाप जी का जो है यहाँ पर विशाल भंडारा रखा गया है। बोल महर्षि नवल साहेब की जय। नानक दत्त गोरख कबीर वाल्मीकि साहेब की जय। जैसा कि आप जानते हैं तमाम कराची वासी कि इस दिन के लिए मैंने 15 साल इंतज़ार किया और आज गुरु नवल साहब बाब जी का बहुत बड़ा विशाल भंडारा कंटोनमेंट तबेले में आयोजित किया है, जिसमें श्री सुनील राम महाराज इंडिया से प्रचार करेंगे और चादर का कार्य भी होगा। मैं उन तमाम दोस्तों, उन साथियों का, मेरे इंडिया में परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे बीवी का, मेरे पूरे घर बार का, मेरी कमेटी का, मेरे कमेटी के जो लोग हैं उनके परिवार का, और जितने भी लोगों ने मेरी सामने और पर्दा रह के मेरी हिमायत की, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं आज के प्रोग्राम में तमाम लोगों, कराची के तमाम पंथों के संत मन जितने भी लोग आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाप जी की दया से ये कार्य बहुत पूर्ण होने वाला है। ठीक है महाराज।
तमार ऋषि नवल साहेब की जय। तमाम संतों को आज के भंडारे में स्वागत करते हैं और तमाम संतों को कराची से हैदराबाद के सत्संग को खुशामद करते हैं और सही रात की सत्संग का तमाम किया भंडारे का तमाम के बोल मार ऋषि नवल साहेब नन्ना नाभ कमल में बउवा चौदल था लल्ला स्वादिष्ठान में नवल रंग सदमा राज से डिग जाए सत्य रचने टिके नहीं नवलायुग तले शरणम भव भय हरणम नवलम स्मरणम ज्ञायते मोक्षगतम हो आज हमारे आनंद भाई साधु लेना चाहिए।
सत्संग की महिमा है, गुरुओं के शब्दों का उच्चारण किया है, आगे सत्संग जाने विराजमान है, तो अगर कोई विचार ना हो तो सत्संग का आनंद भी नहीं। तो बाकी सबकी आज्ञा है तो कुछ विचार अगर आप लोग बोले तो अगर आज्ञा दे। सद्गुरु भगवान की जय। महाराज जी बोला है कि सात जन्म भक्ति करी सभा भजा भगवान, एक पल भक्ति गुरुदेव की तो कर दे महाकल्याण। अभी नवल स्वामी जी के बदावों में सबके अंदर सारे बदावों में गुरु की महिमा गुरु की स्तुति बताई, गुरु की महिमा गुरु की स्तुति। और अभी हमारे श्रीमान दशवंत जी ने एक भजन गाया विष्णु भाई ने, गुरु गुरु ने ज्ञान मोहे दीना, साधु भाई गुरु ने ज्ञान मोहे दीना। तो अब प्रश्न तो नहीं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये गुरु है क्या, आखिर क्या ये शरीर के साथ जो हम सामने देख रहे हैं क्या ये गुरु है या गुरु कुछ और है या हम उसको जानते नहीं। जैसे गू और रू दो अक्षर का ये नाम है, तो हमें पता होना चाहिए इस नाम को संबोधित क्यों किया गया, इस नाम से गुरु को इसी नाम से संबोधित क्यों किया गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया, ब्रह्मा क्यों नहीं दिया गया, विष्णु क्यों नहीं दिया गया, श्री रामचंद्र क्यों नहीं दिया है, नारायण भगवान क्यों नहीं दिया, गुरु ही नाम से क्यों संबोधित किया। तो सत्संग बहुत बड़ी है, पंडाल अच्छा लगा हुआ है, तो हम जिस विषय पे बैठे गुरु की सत्संग है और गुरु की आत्मगोष्ठी भी होगी, तो हम गुरु के विषय में बात करेंगे कि गुरु है क्या। जैसे कि गुरु जैसा देव तीनों लोग बनी, चार वेद बनी, 18 पुराण बनी। देखे ये भी बता रहे कि चार वेद भी नहीं है, 18 पुराण बने, तीनों लोग में भी नहीं है। तो आखिर इतनी बड़ी गुरु की उपमा क्यों है इस पृथ्वी में, इस संसार में। गुरु को भगवान के बराबर बताया गया है कि इस संसार में जो गुरु है वो भगवान है और गुरु के शरण जो तीरथ के समान है। तो गुरु और रू उसका मतलब हम समझते थे गुरु माने अंधेरा और रू माने रोशनी, लेकिन ये लौकिक बात है। जैसे हम बाल काल से सुनते आए किसी ने बोल दिया कि गुरु का गुरु मतलब अंधेरा, रू माने रोशनी, लेकिन ये अर्थ नहीं है इस नाम का। गुरु नाम का अर्थ कुछ मूल कुछ और है। तो हम यही बात सत्संग से जानना चाहेंगे, बड़े बड़े विद्वान आए हुए, बड़े बड़े गुरुजन विराजमान है यहाँ पर, कि ये गुरु आखिर है क्या, आखिर गुरु की इतनी बड़ी उपमा क्यों है कि चार वेद भी उसके बराबर नहीं, तीन लोग ब्रह्मांड हो गया, पाताल हो गया और पृथ्वी लोग हो गए, यहाँ पर है ही नहीं, जबकि हमारे गुरु तो विराजमान है, सामने बैठे हैं। हर एक किसी का गुरु न गुरु यहाँ पर विराजमान है, और नहीं है तो तस्वीर है उनकी, और वो नहीं तो हृदय में। तो बात सिर्फ ये है कि गुरु और रू, हम गुरु किसको समझे। इस पृथ्वी में गुरु का स्थान ईश्वर से ही बड़ा बताया कि सात जन्म भक्ति करी सदा भजा भगवान, एक पल भक्ति गुरुदेव की कर दे महाकल्याण। यानी कि भगवान करते 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 जन्मों पे जन्म आपके होते जाएंगे, आपका मोक्ष नहीं होगा, एक पल भक्ति गुरुदेव की तो कर दे महाकल्याण। तो गुरु की एक पल भक्ति से आपका आवागमन सारा संसार का झंझट मिट जाएगा। तो ऐसी गुरु क्या वस्तु है साई, तो थोड़ा सा हम सत्संग से जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें फिर इस बात में रोशनी डाले। और आज गुरु का पाठ लगा हुआ है और विषय भी गुरु का ही है, और गुरुधारण का भी विषय है, चादर का भी विषय है। तो हम सत्संग से यही विनती करेंगे कि भाई ये गुरु और रू इसका क्या तात्पर्य है, ये नाम क्यों पड़ा, आखिर क्यों रखा गया, इस नाम से संबोधित क्यों किया गया। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अच्छा जी, आज भंडारे का जो भोजन है आप देख रहे हैं, इसमें चावल है, कढ़ी है और हलवा है और वाइट चावल और नान है, सब्जी और भी सब्जी भी है। ठीक,
के जाने रघुराई रहने में जो आनंद है उसे जाने रघुराई महात्मा महंत जन इस कार्यक्रम में पधार करके महर्षि नवल भगवान के श्री चरणों में जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है और महर्षि नवल भगवान की महिमा को विश्व वंदनीय रूप में आप लोग प्रस्तुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों का नवल भगवान के प्रति जितना भी प्रेम और श्रद्धा है उसकी कोई मिसाल नहीं देखने को मिल रहा है, आपके दर्शन करने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पधार के महर्षि नवल भगवान इस भव्य आयोजन में दूर दूर से। अब मैं सबके नाम पुकारने में असमर्थ हूं, कराची और जितने भी पास के सिंध सक्कर
जितने भी अपने हैदराबाद और जहां कहीं से भी को मैं नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जयकारा करता हूं। विशेष रूप से जो कोई भी सज्जनों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है वो सीधा नवल भगवान के श्री चरणों में है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने नवल नाम की महिमा को बढ़ाया। बोलिए महर्षि नवल भगवान की जय, गाजीपति सुनील महाराज की जय, महर्षि नवल भगवान की जय, योगेश्वर दयाल साहेब की जय, ब्रह्म निद्राम्बक जी महाराज की जय, बद्रीराम जी महाराज साहेब की जय, ज्ञानेश्वर महाराज साहेब की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत भव्य सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार। किन शब्दों में आपकी महिमा करूं, कोई शब्द नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं, विश्व वंदनीय कार्यक्रम आप लोग करते हो। धन्यवाद, जय हो, जय नवल भगवान की जय। महर्षि नवल साहेब की जय। महाराज ये थे मनपुर की डंडोरिया, ये जोधपुर गुरुगादी से मंत्री डंडोरिया साहब जिन्होंने सारे गुरुगादी से प्रचार किया। बोले महर्षि नवल साहेब की जय। बहुत अच्छा समागम हो रहा है गुरु महाराज की दया से, इसी तरह सत्संग किए जाओ गुरु महाराज के नाम की। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। भगवान की बोले बोले जय नवल भगवान। हेलो जी गुरुजी, आप पूरी सत्संग आपको जी पूरी सत्संग आपको सुन रही है। आप अपने जो भी मीठे शब्द है आप सत्संग को संबोधित करके आप कहें, पूरी सत्संग आपको सुन रही है। हाँ जी, मेरे जो मैंने आदेश किया उसकी पालना हो रही है गुरु महाराज की दया से। आपको सबको ताजी खुशी गुरु नवल साहिब बताएं कि भाई पालना हो रही है। बहुत सदगुरु महर्षि नवल भगवान की, गाजीपति श्री सुनील राम महाराज की जय। नवल भगवान की जी। गुरु जी आपकी जी। आपके विशेष आज्ञा तो कार्य हम आगे करें। कार्यक्रम चालू करो अपना। जी 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 हाँ, आगे आए कार्यक्रम शुरू करो अपना। जी जी
बोल सतगुरु महर्षि नवल भगवान की जय। असल में हेलो, अच्छा ऐसा है कि गुरुजी इतनी सत्संग को मतलब इतना खुश थे कि हमें देख रहे हैं। अच्छा गुरुजी, अब हम चादर का कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, आपकी आज्ञा है, इजाजत है? बस सतगुरु महर्षि नवल भगवान की, बस गुरु जी को लाइन पे रखे। और कोई शंका तो बाकी बैठे सवाल करें। हेलो, बोलो सतगुरु महर्षि नवल साहेब की जय। सतगुरु भाई साहेब की जय। सतगुरु गुलाब साहेब की जय। सतगुरु राधोराम साहेब की जय। नानक गोरखनाथ कबीर की जय। बोलो सतगुरु श्री राम महाराज की जय। बोलो श्री महाराज की जय। बोलो वाल्मीकि स्वामी की जय। अब मैं कुछ संतों को बुलाना चाहूंगा। अब यहाँ हरिनाम महाराज महाराज हमारे भवानी नाथ जी हैं, प्रीतमनाथ महाराज आप भी आ गए और अर्जुन महाराज आप भी यहाँ विराजमान हो गए। प्याराजा महाराज, चरणदास महाराज और सब लोग शिवाजी महाराज, ताकि कोई भी कार्य सारे संतों जीवन जी खेरालिया श्री मूलचंद जी महाराज की जीवन जी खेरालिया और श्री मूलचंद जी महाराज की पीर महंत की चादर आज दिनांक 8/6/2024 दिन शनिवार को गुरु गादीपति श्री सुनील राम जी महाराज के द्वारा सत्संग के समक्ष दी गई। बोले सतगुरु महर्षि नवल भगवान की जय। ये लाइव चल रहा है भाई? जी जी चल रहा है, चल रहा है। अच्छा अभी एक मिनट थोड़ा छोड़े, बाबजी का मंत्र लगा, वो बाबजी का जो मंत्र है वो लगा। तो थोड़ा बाबजी का मंत्र है या तो बाबजी यहाँ डायरेक्ट पढ़ना है पढ़ ले, नहीं तो जो रिकॉर्डिंग है वो लगा जी। बोले डायरेक्ट कर। अच्छा अच्छा ठीक है, लगा बोलेंगे आपको पता है लाइव लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो गुरु जी की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी लाइव चल रहा है सारा सिस्टम, तो गुरु जी जो लाइव जो है वो ज्यादा भी जो है वो करेंगे। सतगुरु साहेब को मता उपाया, प्रेम की चादर वेपन बनाया, प्रथम तत्का चरका भाई, ओम कार का सूत कटाई, काटन बेटे सतगुरु साई, सोम सुर में तार पिरोई, ज्ञान ध्यान की तुलपा होई, सुखमन नारी सुरत करत है, सुरत ध्वज दो नाल भरत है, चेतन का जब तनिया ताना, जीव ब्रह्म का कीना प्याना, चादर अजब बनी माँ जीनी, सुरा संत थोड़े पर विनी, गुरकता जी चादर देनी, नवल दास शीष धरनी, प्रेम चादर पड़े सवेरा, आवागमन का मिट जाए फेरा, प्रेम चादर पड़े दोपहरा, जीव ब्रह्म से हो निर्भेरा, प्रेम चादर पड़े में सामा, चोर न पावे अगम प्रधामा, निश्चिन पड़े प्रेम की चादर, वाका नवला होवे आदर, इति श्री प्रेम चादर जाप संपूर्ण भय सतगुरु शरणी माता नवल साहेब ने काय बोल सतगुरु नवल भगवान की। बोलो महर्षि नवल
हरिराम जी महाराज मूलचंद जीवन जी राजा को तिलक करते हुए और अब ये पीर महंत की पक्की चादर जो है आज उनको सुनील राम जी महाराज के द्वारा और तमाम सत्संग की कृपा से दी जा रही है। जय जय गुरु नमस्कार की जय जय गुरु नमस्कार भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई तमाम सत्संग को भाई जय हो जय गुरु नमस्कार अच्छा इससे पहले एक मिनट भाई अभी इनका समय दो मिनट की बात है वादा में आपसे बैठ बैठे बोले बाल इसी नवल साहेब की पहले तो आए हुए तमाम तमाम संतों का तहे दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे कुलपति श्री सुनील राम महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार और मैं अपने घराने का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक इस योग्य समझा कि उन्होंने मुझे अपने शरण में जगह दी। मैं सुनील राम महाराज और हमारे गाजीपति हमारे पूरे नवल घराने और नवल घराने में नवल घराने का शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि बाकी ने मुझे अपने चरणों में अपने शरणों में जगह दी। तो बाकी मैं और एक बात का खुलासा कर दूं कि आज के बाद मेरे दिल में जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखा हो या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो कि मैं ना तो कभी किसी का विरोध हूँगा ना कोई मेरा शत्रु है ना मेरा कोई है मेरे लिए आज से मैं उन तमाम लोगों को अपना मित्र मानता हूँ अपना दोस्त मानता हूँ मेरे दिल में उनके लिए कोई नहीं है। आओ बाप जी का प्रचार करें और बाप जी की सत्संग को आगे बढ़ाएं बाप जी के नाम को और हमारे और महर्षि नवल साहेब भगवान के नाम के इनके प्रचार को आगे बढ़े करें बच्चों में शौर पैदा करें बच्चों को एजुकेट करें और भारतीय की तालीम को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों घर घर पहुंचाएं। मेरा श्री ग्रह इस घराने में का मतलब ये था कि मैं गुरु घराने की मोहब्बत और मेरे पिताजी श्री मंदिर जी महाराज से मेरी कमेंट आज मुझे इस मकाम पे और मेरे श्री सुनील राम महाराज अली राम महाराज और मैं मंत्री भिटोरिया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिन्होंने इन सारे कार्यों का आशीर्वाद मुझे हासिल करा और मैं उन तमाम संतों का जो आप अभी तक बैठे हुए हैं और इतना मतलब तमाम शक्ति के बाद भी बहुत सुख मेरी बात मैं तमाम संतों का शुक्र अदा करता हूँ दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन दोस्तों का मेरे भाई बहन का मेरे साथियों का मेरे परिवार का मेरे कमेटी के मेरे मोहल्ले के मेरे परिवार मेरी माँ बहन मेरे भी बच्चों का जिन्होंने इन दो महीने में जो उद्योग है इसमें उठाया है और जिस दिखता से मिल रहा हूँ मेरा उन्होंने साथ दिया मैं अपने कमेटी का अपने कमेटी मित्रवेली का अपनी नए नगर जमात का और मेरे जितने भी दोस्त हैं महाराज हैं संत हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन और जोधपुर गुजराती का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो और जो अगर नहीं आ सके किसी वजह से तो मेरे दिल में कोई शंका नहीं है मैं यही चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद कैसे बना लें और तमाम पंतों के लोग बैठे हैं हमेशा तमाम पंते मेरे सर के ताज रहेंगे और मैं तमाम पंतों का हमारे नानक का गोर बाल्मी शमी का हमेशा उनका आधार मान मेरे साथ माथे पे रहेगा बाप जी और हमारे घराने के साथ साथ उन घराने का भी मैं बहुत शुक्रिया बड़ी तादाद में दादाजी घराने के अनेक घराने के लोग आए उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मेरी भिक्षा सुनी और मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखा बोले महर्षि नवल साहेब की नानक का गौर कभी बाल्मी शामी की आज के सत्संग को बनाए रखे उसके बाद भी शादी के बाद भोजन प्रसाद जिन्होंने अपने पूरे सफर में जो उनके साथ हुआ आज उसको वो खत्म किया है। अब मैं सेवकों से ये भी कहूंगा कि एक तरफ वो भोजन प्रसाद का भी जो है वो बंदोबस्त करें प्रसादी दें और दूसरा